अस्सलामुअलैकुम, पंजाब रंग न्यूज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंसा रफाकत। आज हम पंजाब रंग न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लोगों के फीचर्स को इनहेंस करती हैं। आप सब इस बात को बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि लोगों के फीचर्स को इनहेंस किसके जरिए से किया जाता है। लोगों के फीचर्स को इनहेंस सिर्फ मेकअप के जरिए से किया जाता है। मेकअप जो है वो लोगों के फीचर्स को इनहेंस करने में एक अहम किरदार अदा करता है और लोगों के हुसन में चार चांद लगाने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि लोगों की रिफ्रेशमेंट और इंजॉयमेंट के लिए भी जो मेकअप है वो एक अहम किरदार अदा करता है। आप सभी जानते हैं कि इंसान सभी खूबसूरत होते हैं, लेकिन इंसान की खूबसूरती को चार चांद लगाने में भी एक मेकअप जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। जी तो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि मेकअप के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं, क्या वाकई ही मेकअप जो है वो इंसानों की रिफ्रेशमेंट और इंजॉयमेंट का जरिया है। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। जी मैम, तो आज मैं आपका पहले तो ये शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें पंजाब रंग न्यूज़ की टीम को अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। आज हम आपसे ये जानेंगे कि क्या वाकई मेकअप जो है वो ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है, लोगों की रिफ़्रेशमेंट का ज़रिया है, क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, आज हम वो आपसे जानेंगे। मेकअप का मतलब ही यही है कि हम जब जाते हैं तो ज़ाहिर बात है हम अपने आप को मज़ीद निखारते हैं। जी ठीक है ना, आपकी जो बात है कि मतलब कि अल्लाह पाक ने हम सबको ही खूबसूरती अता की है, मगर मेकअप भी एक ऐसी चीज़ है कि उसको मज़ीद निखार देती है। तो मेकअप का मतलब ही यही होता है कि हम मतलब कि क्लाइंट्स हमारे आते हैं, हम उनको अच्छे तरीके से डील करें, मज़ीद अच्छे से अच्छा उन्हें बनाएं। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमें डीलिंग भी अच्छी करनी चाहिए। तो मैडम आप हमें ये बताएं कि आपको इस फील्ड में आए कितना अरसा हो गया? मुझे 18 ईयर्स हो गए इस फील्ड में आए हुए, और मतलब कि मेरा बचपन से शौक था, और फिर शादी के बाद भी मैंने मज़ीद इसको मैंने जो है फिर अपने काम में आई मैं। जी मैम, तो आप हमें ये बताइएगा कि मैम मेकअप आर्टिस्ट होने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? मेकअप आर्टिस्ट होने का ये होता है कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट को डील कर रहे हैं, ठीक है ना, आपकी शख्सियत को भी देख के बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप अच्छे किसी से बात करेंगे, उनको डीलिंग करेंगे। काम तो बात में ही होते हैं, मगर सबसे बड़ी बात कि आपका डील करने का तरीका किस तरह है कि क्लाइंट आप अच्छे से बात, वो आपको एक दफ़ा भी आपका 10 दफ़ा आएंगे आपके फ्लाक को देखेंगे, नहीं अच्छा है। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आप हमें ये बताएं कि आपने ये मेकअप जो है एक आर्टिस्ट बनने का जो आपका ये जुनून था, पैशन था, ये आपने बेसिकली सीखा कहाँ से है? ये मैंने लाहौर ब्यूटी कॉलेज क्यूनी हाउस से सीखा है, मैम तल्ले से। जी मैम आप बताएं, आपने जाहरी बात है इसके सीखने के पीछे भी किसी का हाथ होता है, आपको किसी ने सिखाया होता है? और सर वाजिद खान से भी मैंने क्लासेस वगैरह ली हुई, इनसे सीखे हैं, और जो है हमारी मतलब मैम तल्ले उनका बहुत हाथ है इनके मतलब के काम मुझे सिखाने में, उनके पास मैंने काफ़ी सा काम किया और उधर से मैंने सीखा। जी मैम, तो आप तो ये बेहतर जानते होंगे कि हम जिस चीज़ को भी अपनाते हैं वो हम उसको किसी से इंस्पायर होकर अपनाते हैं कि भाई वो ये काम कर रहा है तो हम भी इससे बढ़कर काम करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इस फील्ड को जब ज्वाइन किया तो आप किससे इंस्पायर हुई कि आपको लगा कि मैं भी इससे बेहतर बन के दिखाऊंगी या मैं इस जैसा बनना चाहूंगी? मैं सर काशिफ से बहुत ज़्यादा हूँ इम्प्रेस, क्योंकि उनका मेकअप बहुत अच्छा होता है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह बनूं, जिस तरह उनका एक नाम है, जैसा उनका एक काम है, तो मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। जी मैम, तो आपको फैमिली में किसने सपोर्ट किया कि आप ये काम करें? मेरी फैमिली में मुझे फादर ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आज उनके सपोर्ट की ही वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अगर मुझे वो ना सपोर्ट करते तो शायद मैं अपनी इस मुकाम पे भी ना होती, मेरी ख्वाहिश जो है वो मैं ना पूरी होती। जी, इन दोनों के ही वजह से आज मैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आजकल आपके सामने है कि लोकल ब्रांड्स भी हैं और बहुत हाई फाई क्लास के ब्रांड्स भी हैं, आपके सामने है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये हाई फाई क्लास के ब्रांड्स खरीदने के इस्तेमाल नहीं रखते हैं, तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि मेकअप के लिए अच्छा ब्रांड ही ज़रूरी हो? हाँ देखिए, मेकअप का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। लोकल मेकअप के ये नुकसानात होते हैं, अभी आपने क्या आधे घंटे बाद आपकी स्किन भी डल होने लगेगी, किसी की सेंसिटिव स्किन होती है उससे भी बहुत प्रॉब्लम मतलब के हो जाते हैं कि दाने निकल आते हैं, पिम्पल्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, किसी की स्किन टोन उनको डिफरेंट होती हैं जी,
तो वो इसीलिए अच्छे ब्रांड का होना तो मेकअप है, मैं कहती हूँ ये जरूरी, क्योंकि इससे ही आपका काम अच्छा चलेगा। अगर आपका ब्रांड अच्छा नहीं तो आप कभी मतलब तरक्की की तरफ नहीं जाओगे, मजीद नुकसान होते हैं इसके। अच्छा तो मैम आप हमें ये बताइएगा कि इसके लिए कोई बेसिक स्टडी करनी पड़ती है कि आपको चीज़ों के कोई ब्रांड के नेम है कि आपको कुछ स्टडी करना है, कोई इसका कोई आपने स्टडी की है इसके बारे में? इसके स्टडी नहीं, इसके कोर्सेज वगैरह होते हैं जब हमें सिखाए जाते हैं कोर्सेज के हवाले से, तो हमें बताया जाता है कि ये ब्रांड इस तरह का, उसके पीछे भी सब कुछ होता है लिखा हुआ, और ब्रांड कैसे में काफ़ी कुछ गाइड किया जाता है, जैसे स्क्रब है, ये मसाज क्रीम है, इस ब्रांड का आप इसको इस तरह यूज़ करें, इस तरह यूज़ करें। इसमें स्टडी नहीं होती, वो जो हमारे ऑनर्स होते हैं वो हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं, उसी तरह भी हम अपने क्लाइंट को डील करते हैं। अच्छा तो मैडम आपका ये कहना है कि इसके लिए कोई प्रॉपर स्टडी नहीं होती, नहीं होती इसके है। लिए कोर्सेज होते हैं कि हम प्रैक्टिकल काम है ये सारा, ये प्रैक्टिकल से ही ये चीज समझ आती है। अच्छा तो मैम आप मैरिड हैं या अनमैरिड? मैं मैरिड हूँ। अच्छा आप लाहौर की रहने वाली हैं, आउट ऑफ सिटी? मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। ठीक है, आपकी फैमिली में कोई और आर्टिस्ट है जिससे जो आपसे भी इंस्पायर हुआ हो, या कोई कहता हो कि मैंने इससे बनना है, या आपकी कोई फैमिली में कोई आर्टिस्ट हो? नहीं, मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है, फर्स्ट टाइम मतलब कि मैं ही हूँ जिसको इतना जुनून था सीखने का, मैंने किया भी, और अब फैमिली में भी एक नाम है मेरा कि पहले मतलब के लोग नहीं इतना मुझे मतलब कि बस, और अब माशाल्लाह इस फील्ड में आने से मतलब के काफी लोगों में जान पहचाने लोगों ने मुझे मेरे नाम से जाना। जाहिर बात है कि अगर फैमिली में अगर आप कोई हटके काम करते हैं तो आपकी फैमिली आपको नाम से जानती है। ठीक है मैम, तो आप हमें ये बताएं कि ड्यूरिंग मेकअप आपको चेहरे की पहचान कैसे होती है कि ये स्किन जो ऑयली है या ड्राई है, आपको कैसे पहचान होती है? देखिए ऑयली स्किन का ये होता है कि आपके स्किन पे फौरन अगला बंदा पहले आपको पता चल जाएगा इसकी स्किन पे ऑयल है, पिंपल्स हैं, उसके ब्लैक हेड से आपको पता चलेगा इसकी स्किन ऑयली है बोलता है। और ड्राई स्किन का ये होता है कि आपने फेस वॉश किया है तो वो आपके वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, खिंचाओ, तो इससे पता चलता है कि ये आपकी ड्राई। और आप एक और जो एक नॉर्मल स्किन होती है, तीन तरह की स्किन टोन होती है हमारी, ठीक है ना, और जो नॉर्मल स्किन होती है फेस वॉश करें भी तो उसके बाद भी मतलब ना ऑयल आता है ना तो ड्राइनेस आती है, ये नॉर्मल स्किन में आ जाती है। ऑयली के पता चलता है उसमें ऑयल और पिंपल्स वगैरह, ड्राई स्किन का ये होता है कि उसके अंदर जो है मतलब पैचेस पड़ जाते हैं। अच्छा तो मैडम ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और पूरी मीन्स के आप जो जो भी मेकअप करती हैं पूरी लेडीज का ये सवाल है कि क्या मेकअप करने के ज़्यादा नुकसानात हैं या फ़ायदे हैं, कि अगर हम मेकअप करते हैं और उसको डेली बेसिस पे मेकअप करते रहें और उसको कुछ अर्से बाद छोड़ दें तो उसके उसका नुकसान क्या है हमारे फेस के ऊपर? नहीं देखिए मेरी बात सुने, कि इसमें मेकअप हम कहें कि नहीं इसके नुकसानात नहीं, कुछ गलतियां हमारी भी होती, जैसे कि अब हमने सुबह से मेकअप किया हुआ, रात को कुछ मत खावतीन होती हैं वो मेकअप के साथ ही सो जाती हैं, थकी होती, अच्छा ठीक है चले मैं सुबह फेस वॉश कर लूँगी, नहीं असूलन ये होता है कि आप मेकअप के बाद आप क्लिनजिंग करें, जब आप सारे काम से फंक्शन से आप आगे क्लिनजिंग करें, फेस वॉश करें, उसके बाद आप सोए। हम अपनी गलती की वजह से हम अपने चेहरे को खुद ख़राब करते हैं और फिर कहते हैं जी मेकअप अच्छा नहीं हुआ या तो मेकअप की वजह से हमारा चेहरा खराब हुआ, ऐसा नहीं होता, कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं। मेकअप का मतलब यही है कि आपने करवा लिया ठीक है, रात को फेस वॉश करके अच्छी क्लिनजिंग से क्लिनजिंग करके मेकअप उतार के फिर आप सोएं। अच्छा तो मैम मैं आपसे जरा हट के सवाल करती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ का, कि आपको मेकअप में क्या चीज ज्यादा पसंद है? मुझे मेकअप में सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंट्रोलिंग से ही जो है ना आप अपने फेस को भार सकते हैं, और उसके बाद जो है आईज, क्योंकि मेकअप के बाद मतलब कंट्रोलिंग के बाद जो आईज मेकअप होता है ये बड़ा काम करता है। सही, तो मैडम आप हमें ये बताएं कि जब आप मेकअप कर रही होती हैं आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में डिफ़िकल्टी पेश आ रही होती है, कि क्या चीज़ आपको ज़रा ज़्यादा मुश्किल लग रही होती है? मुश्किल तो नहीं थे, मगर बेस का होता है कि हमने किस स्किन टोन के हिसाब से हमने बेस को अप्लाई करना है, किस तरह हमने बेस की फिक्सिंग करनी है, ये सबसे मेन चीज होती है। अच्छा तो आप हमें ये बताएं कि मेकअप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? एक लिपस्टिक और एक काजल, जब तक आपकी लिपस्टिक कंप्लीट नहीं होगी, आपकी हेयर स्टाइलिंग नहीं होगी, तब तक आपका मेकअप अनकम्प्लीट। जी मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, पंजाब रंग न्यूज़ की टीम को आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। आप नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगी, आप लोगों के लिए क्या एक मैसेज छोड़ना चाहेंगी कि भई मेकअप जो है वो किस हद तक इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, किस हद तक इंसान के लिए नुकसानदेह है, ये आप हमारी आवाम को एक मैसेज दें?
देखिए मेकअप इस हद तक जरूरी है कि देखिए हम किसी फंक्शन में जाते हैं करते हैं, हम हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि हम खूबसूरत से खूबसूरत तर लगे, मगर इसके ये होता है कि आप मेकअप तो करके जा रहे हैं मगर आके रात में उनको ज़रूर आप अपने फेस को क्लींजिंग करके तो रात को सोए। इसके अलावा जो है कि आपको मतलब कोई वो नहीं होगा, ठीक है, नुकसान। तो ये है मेरी टिप के जब भी आप मेकअप करवा के आए फंक्शन से आके लाजमी रात को मेकअप को फेस से उतार के आप सोएं, क्योंकि अगर वो लगे रहेंगे तो उसके जाहिर बात है असर हमारे स्किन पे जाते हैं जी, उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी। तो आपने देखा कि आज हमारे साथ मिस किरण मौजूद थी जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने सबको ये एडवाइस दी है, ये मशवरा दिया है कि जो भी खवातीन मेकअप करती हैं वो जब रात में आती हैं तो वो अपना मेकअप को रिमूव करके सोएं, उसके उससे हमारे चेहरे पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, हमें एडवांटेजेस हैं। और इस बात को भी उन्होंने प्रूव किया कि जो मेकअप है वो इंसान की रिफ्रेशमेंट और एंजॉयमेंट का बहुत ही अहम जरिया है और बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और अगले नए चेहरे के साथ नए प्रोग्राम के साथ हम आपसे मिलेंगे। पंजाब रंग न्यूज़ की टीम को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।